नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इट इज मोर देन 3 months नाउ एंड वी आर फाइटिंग विथ कोरोना। कोरोना से हमारे इस जंग की, इस संघर्ष के 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और इस दौरान हमने संघर्ष के अलग अलग चरण से होकर इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। आज जबकि अर्थव्यवस्था को कम्प्लीटली रोकना कतई संभव नहीं है, हमारे बहुत सारे बहादुर लोग देश की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दे आर वर्किंग कॉन्टिन्यूसली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। दे आर प्रोवाइडिंग द क्रिटिकल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, बैंकिंग, पुलिसिंग, एज वेल एज इवन फैक्ट्रीज आर ग्रेजुअली, इवन विद द रिस्क ऑफ कोरोना, नाउ द फैक्ट्रीज आर ओपनिंग बिकॉज वी हैव टू फाइट। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जैसी और दुनिया का कोई भी देश ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को कम्प्लीटली बंद कर दें। ऐसे में एक दूसरी अहम चीज़ जो शुरू हो रही है और जो इस लड़ाई का एक दुखदायी पक्ष है, वर्स द ट्रेजिक पार्ट ऑफ दिस बिग बिग बैटल दैट वी आर फाइटिंग ऑन, एज Unfortunately, some people are becoming positive during their work life. कुछ लोग हम में से दुर्भाग्यवश पॉजिटिव भी हो रहे हैं काम के दौरान। तो दोस्तों, आइए चर्चा करें कि अगर हम में से कुछ लोग जो पॉजिटिव डिक्लेयर हो रहे हैं टेस्ट में या सिम्टम्स से, और जब फाइनली टेस्ट कराया जाता है और आपकी ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, आप क्या करें, क्या ना करें और कैसे आगे बढ़ें। तो सबसे पहली चीज, डर समस्या का निदान नहीं है। फियर इज नॉट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज द एक्शन दैट इज रिक्वायर्ड। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रॉब्लम। सिंस यू हैव बीन वर्किंग, यू हैव क्रॉस्ड योर फियर, आपने अपने डर को काबू में किया और आप देश की सेवा के लिए आगे बढ़े और अपना योगदान आप दे रहे थे, बधाई हो। और हम सब लोगों का सबसे पहले अभिनंदन स्वीकार करें। इसके बाद यदि आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं टेस्ट के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ आप अपना ख्याल रखें। अपना ख्याल कैसे रखें? ज़्यादातर लोग आज हमारी मेडिकल एक्सपीरियंस में ऐसा दिख रहा है, ज़्यादातर लोगों को कोई सिम्टम नहीं आया है, यानी कि अभी तक उन्हें कोई रेस्पिरेटरी ट्रबल या कॉफिंग या फीवर तक नहीं आया है। टेस्ट कराया गया और उन्होंने पाया दे आर पॉजिटिव। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप यंग हैं, जैसा कि हमारे एक्सपीरियंस में बहुत तमाम बंधु पाए जा रहे हैं हु आर वेरी यंग, हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 27, 30, they are absolutely fine in terms of clinical symptoms. They are absolutely asymptomatic. And now, what to do? They have been found positive in the test. So first thing is, my dear friend, please take care of yourself. आप अपना ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे? आप अपने शरीर को आराम दीजिए। आप अपने खाने के बारे में ध्यान दीजिए। पारंपरिक तरीके से वो तमाम चीज़ें जो कही जाती थी कि ये ठंडी होती हैं, उन चीज़ों से अपने आप को बचाइए, जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, इस तरह की तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाइए। खाने में ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ों का इस्तेमाल मत कीजिए। अपना खाना नियमित समय पे, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, यानी यू मस्ट टेक योर फूड एट रेगुलर इंटरवल एंड इन स्मॉल वॉल्यूम थ्रू आउट द डे। टेक वार्म एंड फ्रेश मील। खाना थोड़ा सादा रखें जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आसान हो। अगर आप पानी ले रहे हैं, हो सके अगर आप थोड़ा गुनगुना पानी लें, तो आयुष विभाग ने ये सजेस्ट किया है अपने सारे एक्सपर्ट्स के साथ मिलके कि ये थोड़ा सा गुनगुना पानी है, ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। इसके साथ साथ आयुष मंत्रालय ने बहुत तरह के बहुत अच्छे प्रभावशाली काढ़े भी बताए हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट हैं, जैसे आप
अदरक, तेज पत्ता, दालचीनी, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में लेके इसे गर्म कर सकते हैं। इसमें एक चुटकी आप हल्दी की भी मिला सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा हनी भी मिलाएं। एक और चीज़ जो हमारे आयुष एक्सपर्ट्स ने लगातार बताई है, यू कैन यूज़ अ पाउडर विच इज़ कमर्शियली अवेलेबल एज थ्री कटू, थ्री बिटर थिंग्स। दिस थ्री कटू पाउडर हैज़ बीन प्रिस्क्राइब टू बी यूज विथ हनी थ्री टाइम्स अ डे एंड इट इज़ प्रूविंग टू बी वेरी यूजफुल विथ ऑल द पीपल। ये कुछ चीज़ें थी खाने के बारे में और कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों के बारे में। इसके साथ साथ आप ख्याल रखिए, अगर आपके परिवार में, इवन इफ यू आर एसिम्टोमेटिक, अगर आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं और एल्डर्स हैं जो 60+ हैं, या आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज की समस्या है या उनका ब्लड प्रेशर हाई है, उन लोगों से अपने आप को बचाएं, उन लोगों से दूरी मेंटेन करें। अगर आप घर में क्वारंटाइन कर रहे हैं, अपने आप को एक रूम में कन्फाइन करें। अगर कभी खांसी आती है तो रूम के अंदर भी आप एक हैंकी को यूज करके खांसें। इसके साथ साथ आप अपने क्वारंटाइन की ड्यूरेशन 10 से 15 डेज रखें। एक और महत्वपूर्ण चीज़, वायरस को पूरा पूरा क्लियर होने में 10 से 15 दिन लगते हैं, तो बेस्ट होगा आप 15 दिन के बाद अपनी टेस्ट रिपीट करें। यदि आप 15 दिन की इंटरवल नहीं ले सकते, आप 10 दिन के अंदर भी अपनी टेस्ट रिपीट करके देख सकते हैं। अगर टेस्ट निगेटिव आता है, यानी कि टेस्ट की रिपोर्ट अगर बताती है कि आप पॉजिटिव हो गए हैं, देन आपको कोई खतरा नहीं है। बहुत तरह के रिक्वेस्ट आ रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से प्लाज्मा डोनेशन का। यदि आप कंफर्टेबल फील करें तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, और इससे विज्ञान के अनुसंधान में और लोगों को शायद आप बीमारी से बचा भी सकते हैं, कुछ ज़्यादा बीमार लोगों की रक्षा भी कर सकते हैं। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं एंड में डिस्कस करना चाहूँगा, अपने रेस्पायरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स को लेके बहुत ही चौंकन्ना रहे। यानी क्या आपको गंध मिल रही है, नहीं मिल रही है? क्या आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है? यदि आप ऐसा फील करते हैं कि आपको सांस लेने में लग रहा कुछ आपके गले में अटक सा रहा है, या आपको सांस लेने में कठिनाई सी हो रही है, बी वेरी कॉशियस एंड एट दैट टाइम प्लीज डू विजिट अ फिजिशियन। आप अपने फिजिशियन से जाके मिलें, हॉस्पिटल में जाएं और अपनी उचित देखभाल करें। जैसा कि हम जानते हैं कि आज बहुत सारे लोग होम क्वारंटाइन से भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम आते हैं, इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ चेस्ट ट्रबल, इफ यू फील दैट योर ब्रीदिंग इज कॉम्प्रोमाइज, देन प्लीज प्लीज डू विजिट योर फिजिशियन, अपने फिजिशियन से मिलें। इसके साथ साथ दो और महत्वपूर्ण बातें, वाइटमिन्स। वाइटमिन्स आप ले सकते हैं इस दौरान में, वाइटमिन सी, और इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़, एक मिनरल जिंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो आप जिंक के सप्लीमेंट्स मार्केट में ले सकते हैं, बहुत तरह के जेनेरिक सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, और आप विटामिन सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मार्केट में बड़े सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप विटामिन सी और जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शाकाहारी भोजन करते आए हैं, तो अगर आप एक छोटी सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली का भी इस्तेमाल करें तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप इसका दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने फिजिशियन से राय लेके इसका इस्तेमाल करें, अगर ना चाहें तो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव अभी इस तरह की आई है कि जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं वो विटामिन सी और जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई भी समस्या हो, आप अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलें, उनकी राय लें, अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रखें। और एक बार फिर से मैं कृतज्ञ राष्ट्र के तरफ से आप सारे लोगों का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन लोगों ने इस कोरोना काल में भी मेहनत बदस्तूर जारी रखी और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए लगातार योगदान दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन आपका।